लॉलीपॉप क्या कहते हैं इसको भैया? हैं क्या कहते हैं? लॉलीपॉप लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्या कहते हैं इसको भैया? हैं क्या कहते हैं? लॉलीपॉप लॉलीपॉप। ये किस चीज़ का बनता है? पत्ता गोभी का, शिमला मिर्च का। अच्छा, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। ये लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप। क्या चीज़ है ये? चाउमीन। चाउमीन। और ये क्या चीज़ है? मंचूरियन। और वो स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल। और ये क्या है? वेज लॉलीपॉप। वेज लॉलीपॉप। इसको क्या कहते हैं? फिंगर चीज, पराठे चिल्ली। अच्छा, ये क्या है? ये चटनी है। ये भी चटनी होगा? हाँ, दही बनिया है। अच्छा, पिज्जा का ग्रेवी है। खोले जा सकता है। ग्रेवी है? हाँ, मंचूरियन ग्रेवी है। हाँ, ये जो है चाउमीन है। हाँ? ये लॉलीपॉप है। हाँ? और ये मंचूरियन है। और वो स्प्रिंग रोल है। और वो वेज पोटैटो है। हाँ, वेज पोटैटो। ये सलाद है, मतलब सलाद है। पत्ता गोभी और गाजर उजर का चौमिन बनता है। हाँ, चौमिन डाला जाता है। चौमिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। हाँ, ये दुकान कब से खोले हो? चार साल से। रहने वाले कहाँ के हो? बिहार, सीतामढ़ी जिला। बिहार से यहाँ खोले हो चार साल से? तो कोरोना काल में क्या कर रहे थे? खुलता था यहाँ पर, क्या करते? घर चले गए थे? नहीं, लगन का काम कर रहे हैं, साइड का। लगन में साइड्स काम कर रहे थे, मतलब जो स्प्रिंग रोल हुआ, उसके बाद जो है ये लॉलीपॉप हुआ, बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, ये सब जो है बनाते हैं जी। अच्छा, ये स्थान कौन सा है जहाँ पर बनाते हैं? ये विशाल मॉल है, विशाल मॉल के सामने जी जी। ये लहतारा क्षेत्र है, खासतौर से राहुल जी के दुकान का जो है, मतलब जो है कि करेंगे, कवर करेंगे और यहाँ देखेंगे क्या क्या बनता है, उसके बारे में जानेंगे। चौमिन हो गया, उसके बाद जो है कि ये सब खासतौर से फास्ट फूड का जो है कि ये सर्विस देते हैं। एक बार फिर स्वागत दोस्तों, आज मैं आया हूँ राहुल जी की दुकान पर। यहाँ पर जो है कि चौमिन बेचते हैं, बहुत तरह के फास्ट फूड बेचते हैं, सोचते हैं खाते हैं सब खाते हैं। तो राहुल जो है कि ऐसा है कि बेज लॉलीपॉप खिलाओ, तब तो दो पीस खिलाना, उसे दिखा रहा। यह है बेज लॉलीपॉप। और ये वेज लॉलीपॉप है, इसमें क्या क्या देते हो सब? काला नमक है? और चटनी सीमान सॉस है। ये वेज लॉलीपॉप है दोस्तों, वेजिटेरियन है ये। खास ये सब्जियों के खासतौर से बनाया जाता है, कि पत्ता गोभी गाजर और उसके बाद जो है कि शिमला मिर्च मिला होता है, और ये जो है खासतौर सॉस है उसके साथ ही खाते हैं। और बहुत ही सस्ता देते हैं ये राहुल जी, 5 रुपया प्रति पीस है। लहतारा क्षेत्र में उनका दुकान लगता है, कभी भी खाना हो अगर लॉलीपॉप हो तो यहाँ पर आके आप खा सकते हैं। चलिए इसका स्वाद लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अरे बढ़िया है, जबरदस्त। क्षेत्र में इनका ही मतलब शॉप है, जो ऐसा आइटम देते हैं और बहुत सस्ता देते भी। बहुत सस्ता देते हैं भाई, मिलता है, बहुत काफ़ी बढ़िया बनाते हैं ये। चलिए खाएंगे, इसका स्वाद भी लेंगे दोस्तों। और इसमें जो है कि खासतौर से जो है कि फास्ट फूड क्षेत्र का रहता है, और इसको वेज लॉलीपॉप कहते हैं। और इसमें जो है कि गाजर पड़ता है, कैबेज पड़ता है, शिमला मिर्च पड़ता है, और तरह तरह के मसाला पड़ते हैं। इसका स्वाद जो है दोस्तों बहुत बढ़िया है, मस्त है। वेज लॉलीपॉप कहते हैं दोस्तों। साल मेगा मार्ट के सामने ही उनकी दुकान है।
बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, एक बार जरूर खाइए। अब तीखा भी है लेकिन ये वेजिटेरियन है और खास तरह से जायका करते हैं। 5 का पीस से ज़्यादा इसका दाम भी महंगा है दोस्तों। और विशाल मेगा मार्ट के सामने अगर आप आएंगे तो इस तरह का जो है स्वाद दे सकते हैं दोस्तों। ये फिंगर स्प्रिंग है दोस्तों, इसको क्या बनाओ तो बनाओ कर लेंगे आप जा रहे हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या है ये नमक? नहीं ये इसको क्या कहते हैं, फिंगर चिप्स खाएंगे। ये फिंगर चिप्स है दोस्तों, ये आलू का बना होता है। चलिए खाते हैं, इसका स्वाद देते हैं। राहुल जी का दुकान का, राहुल जी दुकान का फिंगर चिप्स खाते हैं और उसका स्वाद देते हैं। ये फिंगर चिप्स है दोस्तों राहुल जी का, चलिए फिंगर चिप्स खाते हैं और इसका स्वाद देते हैं। फिंगर चिप्स आलू का ही बनाता है दोस्तों, काला नमक है, पसंद नमक डालते हैं इसमें, अधिक मतलब कि तीखा नहीं है, खाने लायक है लेकिन बहुत बढ़िया है दोस्तों। हथौड़ा क्षेत्र में दोस्तों राहुल जी की दुकान पर मैं आया हूँ। यहाँ पर जो है कि फिंगर चिप्स बेचते हैं, फास्ट फूड बेचते हैं, बहुत तरह तरह के सामान बेचते हैं खासतौर से। और यहाँ पर जो है फिंगर चिप्स बेचते हैं, उसके बाद स्प्रिंग रोल बेचते हैं, उसके बाद चाउमीन भी बेचते हैं और साथ साथ जो है कि आपको बर्चर भी बेचते हैं। चलिए खाते हैं, इसका स्वाद लेते हैं राहुल जी की दुकान पर। विशाल मतलब मेगा मार्ट है दोस्तों, इसी के सामने राहुल जी का दुकान है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल और साथ साथ जो है कि स्प्रिंग रोल, उसके बाद आलू की चिप्स मिलती है। राहुल जी का फिंगर स्प्रिंग जो है बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत तीखा तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और लाजवाब है दोस्तों। चलिए मंचूरियन खाते हैं राहुल जी का। ये मंचूरियन बन रहा है दोस्तों राहुल जी का, जैसा कि आप देख रहे हैं लातरा क्षेत्र में इनकी दुकान है। अब बहुत अच्छा बनाते हैं ये, विशाल मेगा मार्ट के सामने ही इनकी दुकान है। चलिए मंचूरियन खाते हैं इनका और जानते हैं। और ये बनके तैयार हो गया, ये मंचूरियन बनके तैयार हो गया। और इसमें ये मंचूरियन राहुल जी का, चलिए खाते हैं स्वाद। ये मंचूरियन है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, चलिए इसे खाते हैं, स्वाद जी लेते हैं इसका। अधिक तीखा नहीं है, मस्त है दोस्तों। इसमें जो ग्रेवी पड़ी है बहुत मज़ेदार है और साथ साथ जो है खाने में बहुत ही लाजवाब है। राहुल जी का जो है कि मंचूरियन जो है बहुत ही लाजवाब दोस्तों। ये लातारा क्षेत्र में पड़ता है, कभी भी खाना हो, मंचूरियन खाना हो, स्प्रिंग रोल खाना हो, चाउमीन खाना हो या जो है कि फिंगर चिप्स खाना है तो यहाँ पर आके खा सकते हैं दोस्तों। और अच्छा भी है खाने में, तीखा भी नहीं है और खासकर इसके मसाले जो पड़े हैं बहुत से अच्छे पड़े हुए हैं, आप यहाँ के टेस्ट करते हैं, खा भी सकते हैं। फास्ट फूड का जो है कि थोड़ा चाउमीन भी खा के देख लेते हैं कैसा स्वाद है इसका। थोड़ा पाजा बज रहा है इसे परेशान। ये चाउमीन दोस्तों राहुल जी का खास तौर से ये दाता से पड़ता है, काफ़ी फास्ट फूड है। चलिए इनका हम चाउमीन खा के देखते हैं कैसा स्वाद है। ये है विशाल मेगा मार्ट दोस्तों, चाउमीन भी खाते हैं, इसका स्वाद लेते हैं। फास्ट फूड का चलिए चाउमीन का भी स्वाद लेते हैं। राहुल जी की दुकान का जो लातारा क्षेत्र में पड़ता है, ये है चाउमीन दोस्तों, चलिए इसका स्वाद लेते हैं।
फ्रिज चाउमीन खाते हैं दोस्तों। चाउमीन बहुत बढ़िया है दोस्तों और लाजवाब है क्योंकि इसके मसाले बहुत बढ़िया हैं और ख़ास तौर से यहाँ का आके खा सकते हैं आप। जंगली बच्चे पड़े हुए हैं इसके जो बनाने का जो कला भी है बहुत बढ़िया है और साथ साथ जो है इसका सास बहुत बढ़िया है और जो मतलब चाउमीन जो है बहुत काफ़ी मतलब कि मुलायम और साफ भी है और खाने में जो है लाजवाब है और साथ साथ जब भी इसको खाएंगे तो आपके मन में जो है मतलब तीखा हल्का सा तीखा भी है और थोड़ा सा उतना ज़्यादा तीखा नहीं क्योंकि तीखा है आप खा सकते हैं इसको और बहुत ही मस्त है दोस्तों। साहू जी का चाउमीन पोटैटो फिंगर चिप्स तथा मंचूरियन और पोटैटो वेज लॉलीपॉप तो खाकर मज़ा आ गया दोस्तों। इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।